नापसंद था, अब मुझे उससे नफरत है। जाओ, जाकर सो जाओ। अब मैं सारी रात रोती रहूंगी, मैं सोऊंगी नहीं। जाओ! अरे जब रिश्ता तय हो गया है, शादी का दिन तय हो गया है, तो दस्तखत भी हो जाएंगे, परेशान क्यों हो रही हो? इधर आओ। शादी का दिन? ये टॉपिक खत्म हो गया जाज़िब। वो लड़की राजी है तभी तो शादी हो रही है। वो राजी है। मेरे पास मरने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, मैं जा रही हूँ। यानी मेरे सारे लिखे लफ्ज़ जाया गए, तुम्हें किसी एक पर भी एतबार नहीं आया। ये सुबह सुबह किसका नाश्ता बना रही है? ताबा के लिए अम्मी, उसने कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। ताबा ने रात को अपने अब्बा से भी बहुत बदतमीजी की है। ज़िबा होते हुए तो कुर्बानी का जानवर भी चीख पड़ता है, हालांकि वो अल्लाह की राह में जान देता है। ताबा तो बेमौत मारी जा रही है। वक्त का तकाजा है ये फैसला, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अम्मी, वक्त और वक्त के तकाजे कीमती होते हैं, लेकिन इंसानों से ज्यादा अहम नहीं होते। मैं फिर अब्बा से बात कर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बात करने की। ताबा तो अपने कमरे में नहीं है। हाँ पता है, शायद लॉन में होगी, मैं देखती हूँ। अच्छा। तेरी जिंदगी में मोहब्बत की कमी कब थी? अम्मा, अब्बा, हत्या की वो शक्ल होता है, मोहब्बत के दावे करता है। मैं तो इज्जत को रो रही हूँ। मैं करता हूँ तुम्हारी इज्जत। मुझे यकीन चाहिए। मुझे यकीन है। मैं करूंगा हमेशा। तुम्हारा असल मुजरिम तो मैं हुआ ना, ना मैं तुम्हारी जिंदगी में आता और ना। अजनबी से क्या देना, मेरे शिकवे तो अपनों से। मैं अब भी अजनबी। केस की हियरिंग का फैसला इंशाल्लाह इस हफ्ते हो जाएगा। रही दुबई की बात, तो मेरा दुबई जाना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि दुबई में प्रॉपर्टी की बिजनेस जो है उस वक्त बूम है। लेकिन पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी कोई कम है जो आप दुबई में जाके बनाएंगे? अब बिजनेस मैन जो है ना, आखिरी सांस तक अपनी बिजनेस को फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। साफ बात यह कि मैं तो इस वक्त आप दोनों को अपने साथ ले जाता। मेरी एक बात तो ये कि इन हालात में जैसे को यहाँ अकेला छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, उसे ये कि उसके पढ़ाई का खर्च भी होगा। क्यों फिक्र कर रहे हैं, एक हफ्ते के लिए तो जा रहे हैं। आज के दिन बड़ा बिजी दिन है मेरे लिए, मुझे फैक्ट्री जाना है, बैंक जाना है और शाम को मीटिंग भी करनी है। ओफ, हो जाएंगे सारे काम आपके? रात के 10 बजे है आपकी फ्लाइट। ये जाजिब कहाँ है? वो आ जाए तो मैं उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दूँ, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस चला जाऊंगा मैं और वो यूनिवर्सिटी चला जाएगा। मैंने रहीमा को भेजा उसे बुलाने के लिए, कहा है कि डैडी तुमसे जाने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें करना चाहते हैं। ले आ गई रहीमा। हाँ, सो रहा है अब तक? वो तो अपने कमरे में नहीं है। गुसलखाने में होगा, देखो तो सही। गुसलखाने में भी नहीं है, मैंने सब देख लिया है। इतनी सुबह कहाँ जा सकता है वो, मैं खुद देख कर आती हूँ। दिलावर खान, दिलावर, ये ताबा कहाँ है? क्या घर ढूंढ लिया मैंने?
किस कोने में छुप के बैठी है। क्या हुआ, मना कर दिया उसने सुबह सुबह नाश्ता करने से? तुमने खामा खाई उसकी मोहब्बत में ट्रे सजाई। बहन है ना ताई अम्मी, करना पड़ता है। कहीं समीना चाची की तरफ आई गई होगी। सब कुछ जानते बूझते अपने आप को मौत के हवाले कर देना भी गुनाह है। और शदीद नापसंदीदगी के बावजूद शादी तय कर देना और फिर सारी जिंदगी नफरत में गुजारना, ये गुनाह नहीं? मैं घर जा रही हूँ और जब मैं अब्बा को अपने मुंह से बताऊंगी कि मैं क्या करने जा रही थी और कहां से लौट रही हूं तो वो खुद ही मेरी जान ले लेंगे। बस ठीक है, ठहरो, तुम घर ना जाओ। खुद ही तो मुझे घर जाने का कह रहे थे और अब वो तुम्हें मार देंगे। हाँ तो ठीक है, मुझे मौत कबूल है। मैं अब्बा से जाके कहूंगी कि उनकी पसंद की जिंदगी से ज्यादा मुझे मौत कबूल है। मेरे इनकार, मेरी नफरत को किसी ने खातिर नहीं दी बल्कि समीना चाची और शकील को भी पता होना चाहिए कि उनके साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर मुझे मौत लगती है। तुम दूसरों को मजा चखाने के लिए अपनी जिंदगी से खेल जाओगी? और क्या रास्ता है मेरे पास? रास्ता है, मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर। मोहब्बत और इज्जत। ये चीनी बंद क्यों नहीं कर देते? डॉक्टर ने कितनी दफा कहा है कि आपके लिए सही नहीं है। सुबह सुबह थोड़ी सी चीनी से कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम। भाई आज सूरज कहां से तुलू हुआ है? बस आंख खुल गए। कमाल हो गया आज तो शकील। नाश्ता करोगे? असलम, शकील भाई के लिए नाश्ता ले आओ। अभी आपका बेटा क्या चाहता है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में? मुझे क्या मालूम, मैं क्या कह सकती हूँ? हमको मालूम होना चाहिए, बल्कि हम दोनों को मालूम होना चाहिए। आपको इल्म है ना कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आने दिया हो कि मैंने कोई बात की हो वो पूरी ना हुई हो। मैंने अपनी बात और अपनी ख्वाहिशात कभी नहीं दोहराई, मगर अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं उन घटिया लोगों के पास गया हूँ, बार बार गया हूँ, उनके सामने जाकर मैंने हाथ तक जोड़े हैं। ऐसे बददिमाग को घटिया लोग जो ना सलाम का जवाब दे ना हाथ मिलाने को तैयार हूं, बिठाने के बजाय मुझे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। मैं कितना जलील हुआ हूं, कितनी जिल्लत बर्दाश्त की है मैंने अपने बेटे के खातिर, और मेरा बेटा ये सब समझते हुए भी बाज ना आए तो? यही कहीं होगा ना, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। क्या क्यों खामखा छूटी तसलियां दे रही अपने आप को?
आपको भी अंदाजा है कि इस वक्त वो कहां हो सकता है। मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता अगर उन लोगों ने उसको दोबारा देख लिया ना तो वो उसे चिंता नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। कॉल करती हूँ उसे अभी। हाँ जुफी, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, वो अम्मी मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? नहीं कुछ दिखाना था, आप जरा इधर आएंगे? कहाँ लेके जा रही हो तुम? बोलो। मुझे आपको कुछ बताना है लेकिन समझ में नहीं आ रही कि कैसे बताऊं। अब क्या हुआ है, मेरी बर्दाश्त कम रह गई है सूफी। मम्मी प्लीज आप खुद को मजबूत रखें, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती लेकिन ये बात मैं किसी और को बता भी नहीं सकती। मैं आपको कैसे बताऊं कि के? बोलो बेटा। मम्मी ताबा घर में नहीं। ताबा घर में नहीं है तो कहाँ है? मम्मी मैंने हर जगह देख लिया, ताबा कहीं चली गई। क्या ताबा घर में नहीं है? ताबिया, आपका बेटा फोन घर पे छोड़ के चला गया। अब आप मुझे बताइए, मैं सुबह सुबह किस किस को फोन करके पूछूं या फिर गाड़ी लेकर निकल जाऊं और मारा मारा सड़कों पे घूमो और आवाज दूं कि जाजिब तुम कहां हो, कहां हो? उसने वादा किया है कि उसको भूल जाएगा। वो आपसे किया हुआ वादा भूल चुका है। वो झूठ नहीं बोलता, वो सच नहीं बोल रहा है। आप समझती क्यों नहीं है दरअसल इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मैं आपको बता दूं। आप समझती क्यों नहीं है? तुम भी सुबह सुबह कहां चले गए थे और ये कहो? घबराओ नहीं, ये मेरी मामा है, ये मेरे बाबा, यहाँ पे और कोई नहीं है। ये कौन है जाज? ताबा? जी ये ताबा है। तुम इसको भगा कर लाए हो? नहीं, मैं इसे बचा कर ले, ये मरने जा रही थी। तो तुमको इलाम हो गया और तुम सोते में से उठ के खड़े हुए और भागे कि ये मरने जा रही है। इलाम ही समझ गए बाबा, मुझसे रुका नहीं गया। इस तरह था जैसे कोई मुझे आवाज कह रही थी जाजिब जाओ। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सच बोलने में कितनी देर लगेगी जाजिब? जो सच था मैं बता चुका हूँ, ये मरने जा रही थी और तुमको ही मिल रही थी। मैं सीधी बात सुनना चाहता हूँ जाजिब सुल्तान। मैं आपको सारा किस्सा आराम से बैठ के सुना सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि जिस हालत में ये थी मैं उसको वहां पे छोड़ के नहीं आ सकता था। मैं इसके साथ बैठ के मर जाता लेकिन वहां पे इसको अकेला छोड़ के कभी भी ना आता। इनसे छुपा सकते, छुपा सकते इतनी बड़ी बात सूफी? तुमने सही से देखा नहीं होगा, मेरे ताबा अपने बाप की इज्जत से नहीं खेल सकते सूफी। अम्मी ताबा तो कह रही थी कि वो अब्बा को बता देगी कि ट्रेन के नीचे लेटना इतना भी मुश्किल नहीं, और बाज लड़कियां इसलिए मर जाती है क्योंकि उन्हें कह दिया जाता है कि तुम मर जाओ। बकवास बंद करो, वो गुस्से में थी। अम्मी आप ठीक कह रही हैं लेकिन खुदा के वास्ते इस वक्त अपने आप को नॉर्मल रखें। अब्बा या किसी और को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए।
पापा चले जाएंगे ना तो हम ताबा को ढूंढ लेंगे, मैं ढूंढूंगी ताबा को। ढूंढ लेंगे? कहाँ चली गई, कब चली गई वो घर से? तुमने सही से देखा नहीं होगा, तुम झूठ बोल रही हो। मैं खुद देख लूंगी ताबा को। अम्मी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग इतने जालिम और संगते हैं। कोई अपनी बच्ची को इस तरह जहन्नुम में धकेलता, ऐसे जुमले कहता, मारता है? अच्छा बस, खुदा के वास्ते आप तो अपनी अपनी राय जो है ना अब तक महफूज ही रखे। और तुम सुनो, तुम जहां से लड़कियों को लेकर आए हो ना, इसको जा के छोड़ो। बल्कि तुम क्यों छोड़ने जाओ, इससे खुद का उजाड़ चली जाए। कहां जाएगी वो डैड इस हालत में? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा मसला नहीं है। ये मेरा मसला है डैड, माँ आप इन्हें समझाएं, वो मर जाएगी। बल्कि वो लोग उसे मार देंगे, अब तो लाजमी उसे मार देंगे, या फिर उस जानवर शकील के। ओह माय गॉड, ये उनका फैमिली मैटर है, हम बीच में कहीं नहीं है। और मैं अपने आप को मजीद किसी और मुसीबत में गिरफ्तार नहीं कर सकता। मुसीबत? कौन सी मुसीबत? मुसीबत में तो वो है। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम क्या समझते हो, यानी मैं इस लड़कियों को सिर्फ अपने घर में इसलिए रखूं क्योंकि इसके बाप ने इसको ये मशवरा दिया है कि वो मर जाए, या ये कि खुद मर जाना चाहती है? तो ये वजह कम है क्या? अच्छा देखो, इस वक्त मैं फिलहाल एक ही काम कर सकता हूँ कि अपने ड्राइवर से इसको बाहिफाजत इसके घर छोड़वा दूं, समझ गए? ऐसा ना करूं कि मैं इसे घर छोड़ाऊं, कह दूंगी कि बच्ची है कम अकली और गुस्से में घर से निकल आई बस। रबिया आप किस दुनिया में रहती हैं, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं? इस लड़की का इस घर में रहना हमारे लिए तबाही का पेश खेमा है, समझा करें ना। आप क्यों इतनी देर से लड़की लड़की कह रहे, मसले का हल तलाश कीजिए तहमुल से। इसे हल करूं या बेअकली? सुनिए, इस मसले का सिर्फ और सिर्फ एक हल है, ये लड़की फौरन यहां से चली जाए, बस। सुनिए लड़की, चलो उठो उठो, जाओ यहां से। अरे मैं सुना नहीं तुमने मैं क्या कहा, उठो ना। बस करेगा तो देख क्या रही हो, जाओ ना। तो इनकी तबीयत ठीक थी, अचानक बीपी कैसे शूट कर गया? दवा तो तुमने खिला दी है बेटा, अगर डॉक्टर पे लेके चलना है तो ले चलते हैं, मुजाहिद तो काम पे चला गया। नहीं दाई अम्मी, वैसे भी डॉक्टर तो यही दवाइयां देगा ना, और अम्मी थोड़ी देर सोएंगी तो ठीक हो जाएंगी। हाँ नींद में तो आराम है, ये मुई आजकल की बीमारी, बटन दबाया हाजिर, बंदा अभी खड़ा है अभी पड़ा है। जैसे मैं अपनी बहू को सोचा करती, बल्कि उससे भी कहीं प्यारी, नाजुक और खूबसूरत। मैं इस बात पर हैरान हो रहा हूँ कि बच्चों की इस नासमझी से माँ खुद क्या अंदाजा ही नहीं कर पा रही है कि ये किस कदर नाजुक सूरत हाल है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतनी संदिली का मुजाहरा कर रहे हैं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो क्या इसकी आमद की खुशी में मैं शादियाने बजाने लग जाऊं? बाबा हम इस तरह उसको यहाँ से जाने नहीं दे सकते। ठीक है हमें काम करते हैं, हम यहाँ इसको बिठा कर इंतजार करते हैं ताकि इसे घर वाले इसको ढूंढते हुए यहाँ पर आए और दंगा फसाद करें और सब तहस नहस कर दें। तुम्हारी अकल पे तो पत्थर पड़ गए, तुमको एहसास है कि इस लड़की के इस घर में मौजूद की कितना बड़ा तूफान है? आप इतने सख्त लहजे में क्यों बोल रहे हैं? आप मेरे लहजे को छोड़िए, आप मुझे एक बात बताइए, आप इसको किस रिश्ते से रोक रही हैं? इंसानियत का रिश्ता है। एक लड़की जो अपने घर से भागी है
उस लड़के का हमारे घर में मौजूदगी जो है ना वो एक इतना बड़ा जुर्म है राबिया कि हम सब जेल जा सकते हैं। आप बताइए इस मसले का क्या हल है? इसके बस दो ही रास्ते हैं, या तो ये कि फौरन यहां से चली जाए और दूसरा ये कि कि उसे कुछ ना हो, वो जिंदा सलामत हो। दुआ करो कि वो मर जाए, नाकाबिल शनाख्त हो जाए। जाज़िब सुल्तान वल्द हैदर सुल्तान से आपका निकाह किया जा रहा है, आपने कबूल किया? वो तो ठीक है, देखो ये घर का मामला है, लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि हम इस जुमे निकाह कर लेते हैं। देखो मायदा का रिश्ता हमने गैरों में तय किया है, भाभी काफी एहसास है इस बारे में। ऐसे ही पता नहीं क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं वो ये ना सोचें कि उनकी बेटी से तवज्जो हटाकर हम अपने बच्चों के अरमान पूरे कर रहे हैं। भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही सोचा है आपने। देखो अब सूरत हाल तुम्हारे सामने है, ताबा बच्ची है, कुछ ना समझ है, जज्बाती है, मुख्तलिफ किस्म की बच्ची है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी भाई साहब, मेरी अपनी बेटी है। एक शादी निपटाने में लाख एहतियात के बावजूद कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, और यहाँ तो तीन तीन बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी की दिल आजारी, और तुम्हारा तो यार अकलौता बेटा है, पता नहीं कितने अरमान होंगे तुम्हारे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, वाकई हमारी सारी तवज्जो मायदा के फर्ज की अदायगी पर होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, तुम समीना से मशवरा कर लो, तो इस जुमे हम ताबा और शकील का निकाह कर देते हैं। घर के लोग होंगे, चंद बुजुर्ग बुला लेंगे खानदान के, बाकी रुख्सती हम 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। भाई साहब समीना से क्या मशवरा करना, आप बड़े हैं, जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। तो बस फिर ठीक है, तैयारी करते हैं। ठीक है भाई, न जाने मेरी मासूम बच्ची बेकसूर कहाँ होगी, कहीं जख्मी पड़ी भी हो या बेयारों मददगार किसी मुर्दाखाने में लाश। अम्मी क्या कह रही, लग रहा है कि उसे कुछ ना हो, वो जिंदा सलामत हो, ठीक ठाक हो। नहीं सूफी, दुआ करो कि वो मर जाए, ये दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है, एक अकेली लड़की का मर जाना ही ठीक है। अम्मी वो गुस्से में थी, जानती हूँ उसका गुस्सा जैसे ही उतरेगा वो वापस आ जाए। अब तक वो कहाँ बैठकर गुस्सा उतरने का इंतजार कर रही है, किस मोड़ किस चुराहे पर। मैं तो सूफी दुआ मांगती हूँ वो मर जाए, इस तरह दर बदर होने से तो मौत अच्छी है। पाको पता चल गया तो क्या होगा, उन्होंने तो कहा था मर जा, मर गई मेरी ताबा। कहाँ होगी, इतने दरिंदे घूम रहे मेरी बच्ची, मर जाए तो अच्छा है मेरी दावा। सूफी कौन ढूंढेगा उसे? मैं ढूंढूंगी, जानती हूँ दावा को कुछ नहीं होगा, वो घर आ जाएगी। मेरी दावा, मेरी मासूम बच्ची। मम्मी बस बस उसे ढूंढ के ना, आ जाएगी वो, आ जाएगी, आ जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पहनना नसीब करे तुम्हें। पर बहुत भारी है अम्मी। क्या हुआ बेटा,
तुमने कौन सा पहन के रोटियां दिया करनी है। फरत बहन तो अपने मुंह से कह रही थी कि तुम्हें पलंग पे बिठाएंगी वो। अम्मी सासे तो ऐसी ही होती हैं, शादी से पहले निसार और शादी के दो दिन बाद हाथ में डोई पकड़ा देती हैं। तो पकड़ लेना डोई, मोहब्बत देना, प्यार देना और फरमा बरदार रहना बेटा। इतने भारी जोड़े के साथ डोई पकड़ूंगी मैं कैसे? तुमने देखा नहीं वो टीवी चैनल पे जो वो खाना पकाने वाली होती है, टीका झूमर लगा के गरारे पहन के हलीम में घोटे लगा रही होती है। तो बेटा तुम भी वो क्या कहते हैं उसको, एप्रन, हाँ वो पहन लेना ना, और उसके नीचे चाहे कोई भी कपड़े पहन ले। अम्मी ये तो रोने की आवाजें आ रही है, ज़ायदा चची रो रही है? अल्लाह खैर करे, सुबह से ज़ायदा की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी सूफी मैं क्या करूँ? बिल्कुल कुछ नहीं, फिक्र नहीं करे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा, कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ ज़ायदा, तबीयत तुम्हारी ज्यादा खराब हो गई क्या? यूं बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? अभी डॉक्टर को बुला लेंगे। तुम इस तरह क्यों रो रही हो, बजाय इसके माँ को तसल्ली दो। और ये ताबा किधर है, किधर कहाँ किस कोने में छुपी बैठी है? माँ का हाल तो देखे, ऐसी भी क्या नाराज किया है? मर गई है ताबा, मर गई है ताबा। क्या औलफौल बके जा रही हो? जूफी बाप को फोन मिलाओ, ब्लड प्रेशर सर पे चढ़ गया है, इन्हें सुबह ही अस्पताल लेके जाना चाहिए था। अब किसी डॉक्टर हकीम के पास मेरा इलाज नहीं है, मुझे भी मर जाना है भाभी, मुझे भी मरना है। मैं तो जरा ताबा को बुलाते लाओ, तो सामने देख के माँ को तसल्ली तो हो। नहीं ताबा नहीं है। नहीं है क्या मतलब ताबा नहीं है? ताबा घर पर नहीं, सुबह या शायद रात को ही निकल गए। कहाँ निकल गई? मर गई ताबा, मर गई मेरी ताबा। मैं दूंगा तहफ्फुज, यकीन, एहतमाद, सब कुछ। क्या तहफ्फुज दोगे तुम उसको? गार्ड की वर्दी पहनकर गेट पर पहरा दोगे? मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप साफ साफ बोलें बाबा, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखो मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं, मैं इन तमाम चीजों पर यकीन तो नहीं रखता हूं, मैं फिर भी बार बार सोच कर हैरान होता हूं, परेशान होता हूं कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम दोनों का टकराव कुदरत की तरफ से कोई इशारा तो नहीं है? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बाबा, और उसे भी। तो फिर अब हमें क्या करना होगा? इन दोनों का निगाह करना होगा फौरन, आज और अभी। बच्ची से मैं खुद बात करूंगा। वो 5 साल की बच्ची नहीं है कि मस्जिद में ऐलान करवा दें कि बच्ची छोटी सी गुम हो गई है। मर गई मेरी ताबा, भाभी मर गई, मुजाहिद ने कहा मर जा, वो मर गई। तो पंखे से लटक जाती, बिजली का तार पकड़ लेती, घर से क्यों निकली? ताई अम्मी आप कैसी बातें करें? तो फिर कैसी बातें करूं, सर पे चादर ओढ़ के गली गली निकल जाऊं और लोगों से पूछूं कि तुमने ऐसी लड़की देखी है जिसका कद इतना, रंग ऐसा, खानदान ऐसा, ये जबान बोलती है? ऐसा तो ना करे ताई, क्यों ना हम बाहर निकल के ढूंढे, कहां गई होगी, यही कहीं होगी। हाँ, अब इसी चीज की कसर रह गई है, यूं इज्जत का जनाजा निकले हमारा। मैदा फोन मिला के तो मुझे
मैं जरा मुजाहिद को भी तो बताऊं, उसे भी तो पता चले क्या कयामत टूटी है हम पे। अम्मी आप क्या बताएंगी उनको और कैसे बताएंगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या बताऊंगी मैं और कैसे बताऊंगी। बेटा ये सारे वाकयात दोहराने का सिर्फ ये मकसद था कि मैं तुमको ये बता सकूं कि रिश्ता मांगने से लेके आज दिन तक हमारी जानिब से क्या क्या किया गया और उसके बरक्स आपके वालिद का जवाबी रद्दअमल भी आपको पता है। बेटा हमारा ये घर, हमारा रहन सहन, ये जाजिब, ये सब आपके सामने है। जाजिब के लिए लड़कियों की कमी नहीं होगी, अगर हमें अपने बेटे की हर ख्वाहिश और खुशी जो है इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि हमने किया है। बाकायदा झोली फैलाकर बड़े मान और एहतराम के साथ आपके घर गए थे आपका रिश्ता मांगने के लिए, और ये कोशिश एक नहीं बार बार की हमने। बेटा मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये जो कुछ हमने किया क्या ये गलत किया? जवाब दो। मैं यकीन दिलाता हूं कि आज भी वही होगा जो आप चाहोगे। सुबह मैं गुस्से में था इसलिए परेशान था, तो अगर कहोगी तो मैं अभी इसी वक्त खुद आपको आपके घर छोड़कर आऊंगा। मेरे बेटा आप अपने घर वालों को मुझसे ज्यादा जानती होगी, मैं तुम्हें सोचने के लिए पूरा वक्त देने को तैयार हूं, अगर इस सूरत हाल में वक्त की शदीद कमी है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनिए, अगर आप राजी हैं और मुझ पर पूरा यकीन रखती हैं इस सूरत हाल से निकलने के लिए कानून और शरण सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि मैं आपका निकाह जाजिब से करवा दूं। वक्त की कमी जरूर है, मगर होगा वही जो आप चाहोगे। अजीब तमाशा लगाया हुआ है मुजाहिद ताया ने, किसी बात पे टिकते ही नहीं। अच्छी भली शादी को वो निकाह में तब्दील करने पे तुले हुए हैं। मैंने तो अपने सारे यार दोस्तों को भी शादी के बारे में बता दिया है। अम्मी तुम्हारे अबू बता रहे थे कि बड़ा मोहतात और नपातुला अंदाज था मुजाहिद भाई का। ऐसे ही बयान बदलते बदलते किसी दिन वो इनकार ही ना कर दे। अम्मी इनकार करने वाला मुंह रहा है उनका, अब सारे खानदान में तूफान खड़ा कर दूंगी मैं। आप पता करें इस तब्दीली की वजह क्या है। वजह क्या हो सकती है बेटे, ये जाहिदा भाभी हैं जो अंदर ही अंदर जोड़ तोड़ कर रही होंगी। वो कब खुश थी इस रिश्ते से, देखे कहीं वो अपने मकसद में कामयाबी ना हो जाए। हो ही ना जाए कहीं। सच्ची बात है बेटे, मुझे भी ये हथेली पे सरसों जमाने वाली शादी पसंद नहीं थी। ये तो तुम्हारे मुजाहिद ताया थे और तुम्हारे अब उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले। ताया तुम मुंह खोलेंगे नहीं, आप ही असल बात पता लगाने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश की क्या बात है, ऊंचे मिजाज है मां बेटियों के, अंदर ही अंदर सिखा रही होंगी मुजाहिद भाई को। लेकिन ये बात तय है अपनी जगह पर, अब उनकी चलने वाली नहीं है। फिर भी पता तो लगाना चाहिए ना। जाऊंगी उनकी तरफ। अच्छा मैं भी चलूंगा आपके साथ। तुम्हारा जाना जरूरी है।
नहीं है, सुबह से नहीं है, और मुझे अभी तक पता नहीं। इतनी बड़ी कयामत टूट गई। नहीं नहीं, तुमने सही से देखा नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं खुद देखता हूं। ताबा, ताबा मर गई है। वो मर गई? तुम्हें कैसे पता कि मर गई है? आपने कहा था ना, मर जाओ, वो मर गई। वो नहीं मरी, वो हम सबको मार गई है, तहस नहस कर गई है। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची सही सलामत घर वापस आ जाए। दुआ करो कि वो मर जाए, ना काबिले शनाख्त हो जाए। नहीं चाहिए मुझे, नहीं देखना उसे मुझे, जिंदा या मुर्दा। जाजिब सुल्तान वल्त हैदर सुल्तान से आपका निकाह 5 लाख रुपए हक मेहर मुअज्जल किया जा रहा है, आपने कबूल किया? अब्बा, मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ, आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से आपकी इज्जत को कुछ हो? अब अंधा ही हुआ ना, जो इतनी चलती फिरती कयामत मेरे घर में है और मुझे खबर तक नहीं। को जवाब दो। पीटर, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे हैं, रोना बंद कर दो, जवाब दो, मौलवी साहब को जवाब दो। शाबाश। सुल्तान वल्द हैदर सुल्तान से आपका निकाह हक महर मुअज्जल 5 लाख रुपए किया जा रहा है, आपने कबूल किया? कबूल। मुझे तो सब ये ड्रामे की सिचुएशन लग रही है, यकीन ही नहीं आ रहा। जिंदगी एक ड्रामा है जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जाती है। वैसे सच बताऊं तो मुझे लग रहा था ये वक्ती अट्रैक्शन है। बचपन से तूने जो चीज चाही तुझे मिल गई, और उसका ना मिलना ये तेरा हृदय मलता। ये पहली नजर की मोहब्बत थी, होनी थी तो हो गई। खैर, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, ये बात होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ, यानी यानी का मतलब मैंने अपने सच्चे दिल से मांगा है उसे दुआओं में। अब तो कुछ नहीं मांगेगा ना? मांगूंगा कि वो भी मुझे उतना ही चाहे जितना मैं उसे चाहता। इंशाल्लाह। अरे क्या मर गए के ड्रामे लगाए हुए हैं ज़ायदा ताई? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपकी बेटी घर छोड़ के भागी है? ये क्या बोल रहे हो शकील? ये क्या बोलेगा? मैं बताती हूँ, ये ड्रामेबाजी किसी और के सामने करना। मुजाहिद भाई, ये मंसूबाबाजी इन्होंने की होगी, या तो वो खुद भाग गई है या इन्होंने भगाया। अरे वलालम, क्या कहानी है? क्या सच्चे क्या झूठे, हमें क्या पता? या तो रोज तमाशे होते रहते हैं। मेरी बेटी के बारे में ऐसे फास मत इस्तेमाल करो समीना। अरे क्यों ना इस्तेमाल करें हम? तुम्हें कोई हक नहीं बीच में बोलने का। अरे कैसे ना बोलूं? पूरे खानदान में मिठाइयां बटी है, मुजाहिद ताया ने खुद मिठाई के टोकरे भिजवाए थे। मंगेतर है वो मेरी, नाम से नाम जुड़ा हुआ है मेरा उसके साथ। बिल्कुल, हमारी भी खानदान में इज्जत है, चार लोग हमें भी जानते हैं, क्या मुंह दिखाएंगे उनको? ये तस्वीर हमारे सामने ना बहाए, सब पता है, सब ड्रामेबाजी हमारे सामने। मुजाहिद भाई देख रहे हैं? दोनों जिंदगी के अब सबसे खूबसूरत और मजबूत रिश्ते के अंदर आ गए। ताबा ने उस हरामखोर जाजिब सुल्तान के साथ निकाह कर लिया है। अरे इनकी तो दिल की मुराद पूरी हो गई, माँ भी खुश, बेटी भी खुश। कल रात कराची से दुबई सिर्फ हैदर सुल्तान गया है, उसके अलावा और कोई भी नहीं।
मुझे एक मौका तो दो कि मैं तुम्हारा गम बांट सकूं। जो इंसान गम देता है वो बांट कैसे सकता है। दर्द है जो दिल में दवा।